आवाज जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना। आइए चलते हैं आज की खबरों की ओर। विदेश में राहुल और प्रदेश में विवेक तनखा परोस रहे झूठ। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और विवेक तनखा पर जमकर निशाना साधा। शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी विदेश में और विवेक तनखा प्रदेश में झूठ बोल रहे हैं। शर्मा ने कहा कि सहकारिता के माध्यम से दुग्ध उत्पादन किसानों को लाभ पहुंचाना सरकार की मंशा, लेकिन कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। राहुल गांधी विदेश में झूठ बोल रहे और विवेक तनखा प्रदेश में झूठ बोल रहे। दुग्ध संघ को प्रदेश में किसी दूसरे को नहीं दिया जा रहा। कांग्रेस प्रदेश को बदनाम कर रही है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड किसी राज्य का नहीं, केंद्र का संस्थान है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट डेयरी सेक्टर में डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है और कांग्रेस दूध के प्राइवेट प्लेयर के साथ खड़ा दिखाई देकर विरोध करने में लगी है। कितना झूठ बोलती है और विवेक तनखा जी फिर मेरे खिलाफ कोर्ट में जाएंगे और कहेंगे कि मैंने उनके ऊपर आरोप लगाया। मैं आज आरोप लगाता हूं विवेक तनखा जी, इतना झूठ बोलना भी आप सीख गए इतने बड़े एडवोकेट होने के बाद, कि दुग्ध संघ को मध्य प्रदेश के अंदर आप दूसरे किसी को देने वाले हैं और इसका आरोप आप लगा रहे हैं बिना किन्हीं तथ्यों और बिना किसी जानकारी के। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, मैं विवेक जी आपसे पूछना चाहता हूं और कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि आज मध्य प्रदेश के अंदर 5 लाख करोड़ लीटर दूध पैदा होता है और इसमें से 10 लाख लीटर दूध केवल कोऑपरेटिव सेक्टर के द्वारा कलेक्ट होता है। मध्य प्रदेश के अंदर लगभग 2% है ये। 30 लाख लीटर जो प्राइवेट प्लेयर है जिनके साथ कांग्रेस और जिनका मैं उल्लेख कर रहा हूं वो खड़े हैं, तो केवल 30 लाख लीटर वो प्राइवेट प्लेयर्स लेते हैं, यानी 40 लाख लीटर मध्य प्रदेश के अंदर केवल ऑर्गेनाइज सेक्टर में दूध कलेक्ट होता है। मैं तो किसान का बेटा हूं, मैंने गांव के अंदर देखा है कि जब ये प्राइवेट प्लेयर्स और इस प्रकार के लोग आना चाहिए, उनका भी स्वागत है, लेकिन जिस प्रकार की आज जरूरत है कि हमारे जो सांची से लेकर के हमारे जो दुग्ध संघ है, सरकार का हमारा जो नेटवर्क है, 210 लाख लीटर दूध अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जाता है। किसी के साथ कोई रेट है क्या नहीं है, कोई इसका प्लान नहीं है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ये न किसी राज्य का है। ये थी आज की खबरें। और खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज़ जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।